दोस्तों, पेट में कब्ज और पेट का सही से साफ नहीं होना, पेट भारी रहने पर आप इस पाउडर का एक बार सेवन जरूर कीजिए। दोस्तों, सुबह फ्रेश होने के दौरान आपका पेट सही से खाली नहीं होता है और उस समय आपको बल का प्रयोग करना पड़ता है और उसी वजह से आपके पेट में दर्द रहता है, तो ऐसे में आपको कब्ज की शिकायत होती है। कब्ज होने पर आप एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आप कभी भी कब्ज को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि दोस्तों कब्ज होने पर पेट में दर्द, पेट में जलन और पेट भारी होने की समस्या तो रहती ही है। और कब्ज का सीधा असर हमारे लीवर पर पड़ता है दोस्तों, इससे लीवर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और फूड को सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और इसी वजह से दोस्तों हमारे पेट में वसा बढ़ने लगता है। इसके कारण हमारा मोटापा बढ़ना भी शुरू हो जाता है। साथ ही दोस्तों, लीवर अगर सही से काम नहीं करता है तो इस कारण हमारी त्वचा और बालों पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों, आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है कि अगर हमारा पेट साफ रहता है तो हमें 46 तरह के रोग छू भी नहीं पाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कब्ज की समस्या है तो आप इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करें। तो दोस्तों, इसके लिए आज मैं आपको ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो आपकी कब्ज को दूर करने, पेट में जलन और पेट भारी होने की समस्या को बड़ी ही आसानी से सही कर देगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसे तैयार कैसे करना है। इसे बनाने की सभी चीज़ें हमें हमारी रसोई में बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगी दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर सौंफ ली है, अजवाइन ली है, काला नमक लिया है और थोड़ा सा जीरा लिया है। और आपको ये सभी चीज़ें कितनी मात्रा में लेनी है और इसे कैसे तैयार कर लेना है, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बाउल ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे जीरा। तो हमें यहाँ पर 2 चम्मच जीरा लेना है, इसे हम अलग बाउल में डाल देंगे। तो ये देखिए, इतनी मात्रा में मैंने जीरा लिया है और साथ ही दोस्तों 2 चम्मच अजवाइन भी हम अलग बाउल में डाल देंगे। तो अजवाइन पेट को तुरंत साफ करने और गैस से होने वाले पेट दर्द को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो ये देखिए, 2 चम्मच अजवाइन मैंने बाउल में डाल दी है और अब जीरा और अजवाइन को हम एक बार इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम तवे पर हल्का सा भून लेंगे। तो इसे भूनने के लिए गैस पर मैंने तवा रख दिया है और ये हल्का गर्म हो चुका है। इसमें हम जीरा और अजवाइन डाल देंगे। तो जीरा और अजवाइन दोनों हमने बराबर मात्रा में ली हैं, तो इसे हम इस तरह से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसे भूनते हुए मुझे लगभग 1 से 2 मिनट हो चुका है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो भुने हुए जीरा अजवाइन को मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया है। साथ ही हम इसमें मिलाएंगे सौंफ। तो 1 बड़ा चम्मच भरकर सौंफ इसमें हम डाल देंगे और अब इसमें हम मिलाएंगे काला नमक। तो ये देखिए, 1/2 चम्मच काला नमक हमें इसमें मिला लेना है। तो सभी चीज़ें हमने बाउल में डाल दी हैं और एक बार हम इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसका हम महीन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सभी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसके लिए इन सभी चीज़ों को हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और ग्राइंड करने के बाद आपका ये चूर्ण बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, ये जो चूर्ण है पेट में जमे हुए मल को साफ करने के लिए और कब्ज को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है और आप इसे एक बार बनाकर लंबे समय तक रख सकते हैं। तो ये पाउडर हमारा बनकर तैयार हो गया है और इसे हम अलग बाउल में निकाल लेंगे। और ये देखिए, कितना बारीक पाउडर मैंने बनाकर तैयार किया है। और अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि आपको इस चूर्ण का सेवन कैसे करना है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको लेना है 1 गिलास पानी और पानी भी यहाँ पर आपको हल्का गुनगुना लेना है दोस्तों। और इस पानी में आप 1/2 चम्मच चूर्ण डाल दीजिए। ये देखिए, इतनी मात्रा में आपको चूर्ण लेना है और इसे आप हल्के गुनगुने पानी में डाल दीजिए। और इसे डालने के बाद आपको इसे अच्छे से मिलाना है। तो लगभग 1 मिनट के लिए आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमारा घरेलू नुस्खा बनकर तैयार है कब्ज के लिए। और इसका सेवन आप रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद कर सकते हैं। आप चाहे तो दिन में भी इसका सेवन कर सकते हैं। दिन में आप खाना खा लीजिए और इसके 1 घंटे बाद इसका सेवन कर लीजिए। और ज़्यादा फायदे के लिए अगर आप रात को इसका सेवन करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस आपको इसे दिन में 1 बार ही पीना है
और अगली सुबह तक आपकी आंतों में जमा हुआ मल सही से बाहर निकल जाएगा और आपका पेट भी अच्छे से साफ हो जाएगा, आपको कब्ज से छुटकारा मिल जाएगा और इस चूर्ण को आप एक बार बनाकर लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए बाय।